नमस्कार, मैं हूं सुहेब म्यानोर और आप देख रहे हैं फाइट अगेंस्ट क्रिमिनल न्यूज। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर महाराष्ट्र से। जी हां, महाराष्ट्र के शिवसेना नेता संजय राउत ने यह दावा किया है कि अगले 15 दिनों में महाराष्ट्र सरकार गिर जाएगी। आइए देखते हैं क्या है पूरी खबर। क्या महाराष्ट्र की एकनाथ शिंदे सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है? क्या सीएम शिंदे और बीजेपी के बीच की कड़वाहट इतनी बढ़ चुकी है कि किसी भी समय दोनों के रास्ते अलग हो सकते हैं? और अगर नहीं तो शिवसेना युति के नेता संजय राव ऐसा क्यों कह रहे हैं कि 15 दिन में गिर जाएगी महाराष्ट्र शिंदे बीजेपी सरकार? संजय राउत के इस दावे ने राज्य की सियासत में नया तूफान खड़ा कर दिया है। अजीत पवार बीजेपी से हाथ मिला सकते हैं। जब से ये अटकलें लगी रही है, शिंदे और बीजेपी के बीच अनबन शुरू हो गई है। अब इस बीच राउत ने दावा कर दिया है कि शिंदे बीजेपी सरकार का डेथ वारंट जारी हो चुका है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि आखिर राउत के इस बयान के क्या मायने हैं? राउत ने किस आधार पर ये दावा किया है? उद्धव गुट ने नेता संजय राउत ने कहा कि सब अपना अपना गणित पेश कर रहे हैं, लेकिन हम नतीजे का इंतजार कर रहे हैं। राउत ने कहा कि मुख्यमंत्री और उनके 40 लोगों की फिलहाल जो हुकूमत है वह अगले 15 से 20 दिनों में गिर जाएगी। मैंने एक बार कहा था कि फरवरी तक सरकार गिर जाएगी, लेकिन कोर्ट का फैसला देर से आ रहा है। यह सरकार टिकने वाली नहीं, इस सरकार का डेथ वारंट जारी हो चुका है। राउत ने कहा है कि अब यह तय हो गया है इस वारंट पर कौन और कब हस्ताक्षर करेगा। इसके बाद से ही सबके कान खड़े हो गए। इस सरकार से मोहभंग बीजेपी का हुआ है या सीएम एकनाथ शिंदे का? और एकनाथ शिंदे का हुआ है तो उनका अगला कदम क्या होगा? और अगर बीजेपी का हुआ है तो एनसीपी में क्या होने हो जा रहा है? अजीत पवार का अगला कदम क्या होगा? और अगर अजीत पवार कोई खेल खेलने वाले हैं तो शरद पवार की इस खेल में क्या भूमिका होगी? यानी कहा जा सकता है कि महाराष्ट्र की सियासत में मची हलचल अभी थमने वाली नहीं है और इस बार तलवार शिंदे गुट की गट पर लटक रही है, जिसे शिंदे गुट भी भांप चुका है। तभी तो पिछले दिनों शिंदे गुट ने बीजेपी को चेतावनी दी थी कि अगर अजीत पवार एनसीपी के नेताओं के साथ बीजेपी से हाथ मिलाएंगे तो शिंदे गुट सरकार से अलग हो जाएगा। इसी चेतावनी के आधार पर संजय राउत ने दावा किया है कि 15 से 20 दिनों में बीजेपी शिंदे सरकार गिर जाएगी। ये भी अभी अपने आप में कमाल है कि एक तरफ तो अजीत पवार ने अपने फेसबुक और ट्विटर अकाउंट से एनसीपी का बैनर हटा दिया है और दूसरी तरफ एनसीपी लीडर लिखा भी हुआ है। उनका ये भी कहना है कि जब तक जान में जान है एनसीपी नहीं छोड़ेंगे, चाहे एफिडेविट पर हस्ताक्षर करवा लो, लेकिन साथ में वो सीएम बनने के सपने भी देख रहे हैं। 21 अप्रैल को एक इंटरव्यू में अजीत पवार ने कहा कि हाँ, मैं 100% मुख्यमंत्री बनना चाहता हूँ। ये सारे बयान इसी तरफ इशारा कर रहे हैं कि दाल में कुछ ना कुछ तो जरूर काला है। राजनीतिक जानकारों की यह तक कहना है कि अजीत पवार शिंदे की राह पर चल रहे हैं, क्योंकि जून 2022 में उद्धव से भग। हमारी और भी खबरें देखने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी न्यूज को शेयर करें, लाइक करें और देखते रहिए सच, निष्पक्ष, निर्भीक खबरों के साथ फाइट अगेंस्ट क्रिमिनल न्यूज।